नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है जब भी हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम घंटी जरूर बजाते हैं, लेकिन मंदिर में घंटी बजाने का एक वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तौर से देखा जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं घंटी बजाना नकारात्मक चीजों को दूर करना होता है। यदि कोई पड़ले आती है तो उसे भी पहले से ही दूर करने के लिए घंटी का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के बाहर जो घंटा होता है वह जब भी हम बजाते हैं तो वह पड़ले को दूर करता है। अक्सर देखा जाता है कि भगवान के पास अंदर प्रवेश करने से पहले घंटी का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे करने से चेतना जागृत होती है और आसपास का वातावरण कंपन भर उठता है, जिसकी वजह से पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। आपकी पूजा भी सफल होती है और पूजा सफल होने से आपके कार्य भी सही बनते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पूजा अर्चना करने के बाद आप लास्ट में आरती करते हैं और आरती करते वक्त भी आप हर प्रकार की घंटियों का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग अलग अलग आवाज की घंटियां बजाते रहते हैं और जिससे आरती का फल और भी ज्यादा अच्छा और सुखदायक होता है। जो कान में पड़ने वाली ध्वनि हमारे जीवन को और भी ज्यादा शुद्ध और वातावरण को और भी ज्यादा सकारात्मक बना देती है, तो इसलिए घंटी का बजाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप घर पर भी पूजा करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष घंटी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि आपके कार्य भी बने और कार्य बनने के साथ साथ आपके सभी चीजें, जो भी आपकी जरूरी की चीजें हैं, वह आपके जरिए पूरी हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि आप घंटियां किसी भी चीज की ले आते हैं, लेकिन घंटियां आप ऐसी लेकर आनी चाहिए जिसमें आवाज भी आपके कानों को चुभे ना। आवाज ऐसी होनी चाहिए जो आपके कानों को आराम दे और आपके कानों को सुलभ महसूस कराए। तो इसलिए जब भी आप घंटी लेने जाएं तो उसकी आवाज का ध्यान रखें और अपने जीवन में उसको और भी ज्यादा नया महत्व दे सकते हैं। तो ये है घंटी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।